हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। पहली क्लास आपके सामने रहने वाली है और भी कंटिन्यूअसली क्लासेस आते रहेगी। तो वेरी फर्स्ट क्लास है राजस्थान जीके की। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेवल वन, लेवल टू, रीट में दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हुड्डा सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन शासकों ने भाग लिया था। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा हुड्डा सम्मेलन के बारे में बता दूं। तो देखिए ये जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था भीलवाड़ा में। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस बात को। ये कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। और इसे आयोजित किसने करवाया था? इसे आयोजित करवाया था आमेर के सवाई जयसिंह ने, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, आमेर के सवाई जयसिंह तो इसमें शामिल होंगे ही। एक और बात, कोटा के महाराव दुर्जन साल भी शामिल थे, अभय सिंह भी शामिल थे और सवाई जयसिंह ने तो आयोजन करवाया ही था। तो यानी कि तीनों शामिल हो गए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति आपको पता ही है मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ पे? यूपी में। पूरे भारत में मेरठ से शुरुआत इसकी हुई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो उसका नाम जो है, याद रखिएगा, नसीराबाद है। नसीराबाद से ये शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया, किस जगह पे किया, ये आपको बताना है। तो देखिए ये राइट आंसर, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। आ ऊ वा यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन पेपर पे प्लीज़ लिख लें, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? देखिए मैंने इसे बताया ही था, ये मेरठ में हुआ था। और मैं डेट भी बता देता हूँ, डेट भी पूछा जाता है, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। और राजस्थान में कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से, याद रखिएगा ये राजस्थान के लिए है। और मेरठ जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, राज मतलब राजस्थान, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो टोटल जो सैनिक छावनियां थी राजस्थान में वो थी 6। कितनी थी? 6। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? उस कैप्टन, अंग्रेज कैप्टन को उसका सर काट करके पूरे शहर में, सिटी में उसे घुमाया गया था। तो देखिए आप याद रखिए, एक ट्रिक से मैं बता देता हूँ, कोटा, कोट, कोटा को कोट समझ लेना आप। और कोटा में क्या होता है? कोट में मिलेगा आपको बटन। क्या मिलेगा? बटन। कोट में तो बटन होते हैं ना बड़े बड़े, तो कोट से बटन और बटन से ज़्यादा आप रख लो, कैप्टन बर्टन ने का जो सिर है काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 यानी कि 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको ये बताना है। तो देखिए मैं कुछ युद्ध के बारे में आपको हाईलाइट करके बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये बता देना, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, 7 सितंबर को ये हुआ था, 7 सितंबर 1857 को ये हुआ था पहला। और चेलवासा का युद्ध, ये जो चेलवासा का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेट भी मैंने आपको बता दिया, ये पहले हुआ है ये बाद में हुआ, इसलिए बिथोड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिए ये पॉलिटिकल एजेंट आप पहली बार सुन रहे होंगे, अगर आपने पहले सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल एजेंट वो होते थे ना जो गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। तो देखिए सबसे पहले ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये राजस्थान का गवर्नर जनरल, एक्चुअली ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे पूरे राजस्थान के, ऑप्शन डी वाला। लेकिन
इसके अंदर और भी लोग थे जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे अलग अलग शहरों के, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मैकमोसन जोधपुर के थे, ये पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के थे, ठीक है। दूसरा है कर्नल इडन, ये कहाँ के थे, ये जयपुर के थे, कहाँ के थे, जयपुर के। तीसरा है सावर्स, सावर्स उदयपुर के थे, ये याद रखिएगा इस बात को, पॉलिटिकल एजेंट ये उदयपुर के थे। तो मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, कर्नल इडन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजस्थान की स्थापना दिवस को कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा हूँ, नीचे कमेंट करके आप सारे लोग इसका आंसर दीजिए और इसवी भी लिख दोगे तो और अच्छा होगा। तो देखते हैं किसे किसे ये क्वेश्चन आता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप राजस्थान जीके के डिटेल्स में नोट्स चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि राजस्थान बोर्ड के जो 6, 7, 8, 9, 10 के बुक्स से मैंने बनाई है 12th तक के, वो आप मुझसे परचेज कर सकते हो ओनली 299 रुपीज़ में। जी हाँ, इसके लिए क्या करना होगा, ईमेल आईडी मेरी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, भरतपुर था, कोटा था, अलवर था, अजमेर, मेरवाड़ा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ये होगा अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, याद रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एकीकरण से पूर्व, यानी कि जब इंटीग्रेशन राजस्थान का नहीं हुआ था, तो ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपको बताना है कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर, मेरवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये आंसर होगा ए, अजमेर मेरवाड़ा जो था ये केंद्र शासित प्रदेश था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया, यानी कि इसे राज्य की जो है केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता कब मिली थी, रिकग्नाइजेशन कब मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। चलिए जिन्होंने आंसर दिया था अच्छी बात है, नहीं दिया था तो अब दे लो, क्योंकि लिखने से ना आपके दिमाग में याद रहता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो देखिए सहरिया, 2-3 बार आप सहरिया बोलो, आंसर आपको मिल जाएगा। सहरिया, सहरिया, यानी कि ये देखो सहरिया से क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, तो 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा जनजाति जो है राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये राइट आंसर होगा आपका मीना जनजाति, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति भी है जो कि पाई जाती है। ये तो हुआ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तीसरा बोनस पॉइंट ले लो कि जो मीना जनजाति है ना, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा ये जनजाति, आपको देखने को मिल जाएगा जयपुर में, कहाँ मिलेगा, जयपुर में, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटने वाला जिला भरतपुर, कौन सा जिला, भरतपुर, बी राइट आंसर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 15, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है। अगर आप लोग जनजाति पे एक अलग से वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, जनजाति के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो देखिए डामेर, डौसे, डामेर, डौसे, डूंगरपुर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, डामेर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक खनिज जो है, मिनरल्स, वो कौन सा है, क्या ये जास्पर है, तांबा है, अबरक है या रॉक फॉस्फेट है। तो देखिए ये जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रॉक फॉस्फेट जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और पूरे भारत का 90% रॉक फॉस्फेट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है, तो देखिए बीकानेर होगा ये, बीकानेर में सबसे ज़्यादा ऊंट महोत्सव आपको देखने को मिलेगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। तो देखिए चंबल कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी, चंबल अभयारण्य में जो है मगरमच्छों और घड़ियाल का संरक्षण के लिए जो है अभयारण्य रखा गया है, बनाया गया है इसे, ताकि
हम लोग घड़ियाल और मगरमच्छ को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जो है बचा कर रख पाएँ इस प्रजाति को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सोनारगढ़ का किला किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किले के लिए अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। सोनारगढ़ का जिला जो है आपको मिलेगा जैसलमेर में। सोनारगढ़ एक्चुअली जैसलमेर में है, तो राइट आंसर आगे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? तो मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में जून 2015 में की गई थी, ऑप्शन सी। और उस समय राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। याद रखिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, सॉरी मैं ठीक फिर से लिख दूँ, वसुंधरा, तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी यहाँ की चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते रहेगा। अगर आप लोग क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाना चाहते हो कमेंट करके बता दीजिए, 30 ले लूँ एक एक वीडियो में या 50 ले लूँ, या इसी तरह से 20-20 क्वेश्चंस करा के मैं 1000-2000 क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा राजस्थान के जीके के लिए। चलिए, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक का बटन दबा दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।